हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज मैं अपने चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जयदेव पीठ, जो के मशहूर संस्कृत कवि जयदेव के नाम पे रखा गया है। ये जो जयदेव पीठ है, ये जयदेव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है एक गाँव जिसका नाम है केंदु विलवो, खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जयदेव पीठ जो केंदु विलवो गाँव में किया गया है, तो ये गाँव में जयदेव कवि का जन्म स्थान है, तो इसीलिए इस जयदेव पीठों को यहाँ पे किया गया है। तो आज मैं आपको ये जयदेव पीठ पूरा दिखा दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा ये भी आपको पूरा आइडिया दे दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। ये देखिए, वो जयदेव पीठ का यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, और ये है उसका इनॉग्रेशन स्टोन। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, ये 12 फरवरी 2004 को इनॉग्रेट हुआ था। ये देखिए, ये इसका मेन एंट्रेंस है जयदेव पीठ का। ये उसके साइड में जो है जयदेव पंचायत का ऑफिस है, जयदेव ग्राम पंचायत का ऑफिस है ये देखिए। तो चलिए अभी हम अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या सब देखने को मिलेगा आपको। ये इसका एंट्री पूरा फ्री है, और सामने एक ऐसा मॉन्यूमेंट किया गया है जो कि फाउंटेन किया गया है, उसके चारों तरफ मूर्तियां रखी गई है और बीच में राधा और कृष्ण का मूर्ति रखी गई है यहाँ पे। तो आप देखिए, अभी मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये फाउंटेन अभी पूरा सूख गया है, इसको चलाया नहीं जा रहा है, इससे ये साबित होता है कि मेंटेनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं फिर उसके साइड में जो एक एक मूर्ति है उसको दिखाते हुए आपको चलूँगा अभी। ये वराह रूप जो उसको दर्शाया गया है इस मूर्ति के माध्यम से, ये नृसिंह भगवान का मूर्ति, ये वामन अवतार, और ये परशुराम। ये बलराम, ये गौतम बुद्ध, ये देखिए इस तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वो गेस्ट हाउस, रेस्ट रूम ये सब हुआ करता था, जो कि टूरिस्ट लोग आएंगे यहाँ पे जयदेव पीठ घूमने के लिए तो वो यहाँ पे रेस्ट ले सकते थे। ये सब अभी बंद है। चलिए फिर अंदर चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या क्या और सब है यहाँ पे। जैसा क्या मुझे दिखाई दे रहा है आपके अभी कैमरा फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जयदेव म्यूजियम केंदु विलवो लिखा गया है। केंदु विलवो मतलब इस गांव का नाम है। ये देखिए उसका मेन एंट्रेंस है उस म्यूजियम का।
ये हूँ भक्त कवि जयदेव जन्मपीठ। जयदेव यही केन्दुबिल्ल ग्राम से द्वादश शताब्दी में जन्मग्रहण करते से राधा माधव प्रेम से उद्बुध हो जो काव्य रचना करते एक महाकाव्य श्रीगीत गोविंद। ये गीत गोविंद काव्य द्वादश सर्ग में विभक्त हो गीत गोविंद यह एक संस्कृत काव्य यार पद एत लालित्य विभु कृपा रे एते उद्भासित जहाँफल कि जयदेव जिते बड़े वर्णना करते राधा माधव अनाविल प्रेम भाव को से गोटे पद पूरण करने मन में टे संकोच भाव हो राधा माधव मिलनर विषयटा को लेख्यापाई से केवल लिखिंट स्मर गरल खंडन मम शिशी मंडन देही पद पल्लव मुदार ये जिनसटा को भाई किंतु हठात अस्मिता आसी जा स्वयं माधव जे कि मस्तक राधा पाद रखिए ये पदर अर्थ या जे बेतस कुंज में राधा माधव मिलन होगापी माधव दे कंट दे राधा एवं यही कुंज में मुझे अपेक्षा करी तुम्हें राधा आसी पहुँचिले आमर केली कुंज रे आम केली करवा किंतु राधा पहुँचवाटा बहुत विलंब हो जाते मदन रामज्वल बहुत व्यथित हो पड़ती स्वयं माधव तेणु से जयदेव सिंह लिखिंट जिते अपेक्षा कर व्यतव्यस्त हो पड़ती से कहते राधा आसिले मु कहबी हे राधा स्मर गरल खंडन मम शिशी मंडन देही पद पल्लव मुदार हे राधा तुम आसबार विलंबता देखी स्मर बोले मदन राम ज्वाला मत ये व्यथित कर मो मस्तक ये बिंधा जंत्रणा है तेणु ताकू निर्वापित करने तुम्हें मो मस्तक तुम पाद दीटा को लजि दि तापर तर चेतना आसी जाना स्वयं जगतकर्ता नारायण माधव तक मस्तक राधा पाद रखिए ये पदटा लेखिवाटा मो पक्ष समीचीन होबना या भाभी जयदेवता लेखनी और तालपत्र पोथी थोदे स्नान उद्देश्य बाहरी प्राचीन दिखे चली जाइए। यही समय भितर भक्तर हृदय भावटा को भगवान माधव निजे जानते से जयदेव रूप धरी आसी पहुँची जाइंटर स्त्री पद्मावती पाखे पद्मावती से खाद्य प्रस्तुत करार व्यस्त तो मागिंट पद्मा पोथीटा टी दियो ना कहीं आप स्नान कले कि ना मुझ जाऊँ पदटा बाटे मन पड़गला आउ मु भूलिजी आसिले लिखिदेपी से पद्मावती पोथी देखते लेखनी देखते जगार जो जगार जयदेव छाड़ी स्मर गरल खंडन मम शिशी मंडन लिखिंट तापर देही पद पल्लव मुदारम लेखि नहांती से जिनसटा को देही पद पल्लव मुदारम स्वयं माधव जयदेव रूपी माधव निजे पूरण कर पद्मावती पाखे स्वामी अभिनय कर खावाक दे पाखे खाद्य खाई अपर कोठरी तीन सज्जा करदे पद्मावती जी शयन कर एवं पद्मावती उत्तिष्ट थाली में खाई बस जयदेव शयन कर स्वामी शयन कर सेवा टी करजे खाई जितेबले खाई बस किसी खाद्य खाई स्वयं जयदेव आसी पहुँचीगले जो पहुँचीगले से बड़ा आश्चर्य है पद्मा पद्मा आज किए विचित्र कथा मुझे देखुची ना कौन ना मु तो घरे थिला दिन तुम कौ दिन आगुआ खाओनी आज केमती आगुआ खाइल ना बड़ विचित्र लोक आपण ना कौन ना जाऊल गाधेई कहल मन पड़ा पदटा लेखनी खेदा मागिल मु खेदा देली तुम पद पूरण कल मुझे गाधेबनी ना मु मंत्र स्नान करदे आउ गाधेया दरकार ना खायाक मांगिल मु खायाक देली से घरे पारि देली तुम्हें शोल मु आसिक खाऊ पुणी कौटी ओदा जोड़ उड़े आस मो आगे कहच कौन ना गोटे अभिनय कर जयदेव आश्चर्य कहले कौन मु तो आसीनी किए से चल 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 अपर कोठरी गला बेलू सजा पड़ी फूलमाल छिंडिकी पड़ी चंदन कर्पूर महकुची से कोठरी किंतु कहीं ना सांगे सांगे जयदेव अभिभूत हो पद्मावती से थाली में खाई बसिले स्वामी स्वामी आप उचिष्ट खाऊ ना 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 पद्मा मु स्वयं श्री महाप्रसाद सेवन करद ध्याई मुझे ये काव्य को लिखी चलती दर्शन तो मुझे पारे कि तुम्हें केड़े भाग्यवती दर्शन स्पर्शन सेवा भोजन कर सबकि सेवा कर उचिष्ट हो श्री महाप्रसाद ताकू सेवन करूँ से भक्त कवि भाव में ख्यात है जयदेव श्रीगीत गोविंद से शताब्दी भितर भारत प्राय सब भाषा अनुदित हो प्रचारित यापर जयदेव शेष जीवन में जा पश्चिम बंग राजदरबार में किसी दिन मान आतिथ्य ग्रहण कलापर लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी राजसभा किसी दिन आतिथ्य ग्रहण कलापर वृंदावन जात्रा करवन राधा दामोदर मंदिर में जयदेव पुष्प समाधि अच्छी
ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବଙ୍କର ସମାଧି ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପ ସମାଧି ଗୋଟେ ସମାଧି। ପୁଷ୍ପ ସମାଧି ବୋଇଲେ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଧି ଯେଉଁଟାକୁ ନିଜେ ସମାଧି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଥିଲେ ବୀରକିଶୋର ଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେ ଜୟଦେବ ପୀଠ ଦେଇ ଜୟଦେବ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ବିବରଣୀ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରାଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ମେଘେର ମେଦୁର ମମ୍ବରଂ ବନ ଭୁବ ଶ୍ୟାମାସ୍ତମାଳଦ୍ରୁମେଇ ରାଧେ ଗୃହଂ ପ୍ରାପୟ ଇତଥଂ ନନ୍ଦନୀ ଦେଶତଶ୍ଚଳିତୟୋ ପ୍ରତ୍ୟୁଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜଦ୍ରୁମଂ ରାଧା ମାଧବୟୋର୍ଜୟନ୍ତୀ ଯମୁନା କୂଳେ ରହ କେଳୟ। देखिए ये जो जयदेव पीठ है, इसका एक गेट है, उसके जस्ट म्यूजियम के पीछे वाले भाग में, तो उस गेट के साइड से आने से एक और यहाँ पे मंदिर है जहाँ पे दो महादेवों का मंदिर है, एक मुक्तेश्वर और एक बालुकेश्वर जो के पाताल फुटी है, और दो देवियों के भी मंदिर हैं जिनका नाम है जागेश्वरी और अंबिके मंदिर। तो चलिए अभी हम देखते हैं ये मंदिर। देखिए नवग्रह के मूर्ति यहाँ पे, और ये मंदिर के अंदर का भाग। ये देखिए इसके ऊपर डोम शेप का है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं जयदेव पीठ के, और यहाँ पे और क्या क्या सब है मैं आपको दिखाते हुए अभी चलूँगा। यहाँ पे एक बड़ा वाला पिंडी बनाया गया है शेड से के सही, तो ये जो आएंगे घूमने के लिए टूरिस्ट, तो ये यहाँ पे फीस्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक बहुत बड़ा जगह है ये।
जो जयदेव पीठ है ये केंदुली विलेज में अवस्थित है, केंदु बिल्वो भी कहा जाता है इसको। ये जयदेव जो थे मशहूर संस्कृत पोएट, उनका जन्म स्थान है ये कहा जाता है ये केंदुली विलेज, तो उसी को याद रखने के लिए ये जयदेव पीठ यहाँ पे किया गया है। ये 12वीं शताब्दी का पोएट थे और उनके पिताजी और माताजी का नाम था भोजदेव और रमादेवी, और ये ब्राह्मण परिवार के थे। उनको जाना जाता है ये जो उन्होंने संस्कृत में लिखा था गीत गोविंद, तो उसी के लिए उनको जाना जाता है। ये एक एपिक पोएम था जो कि कृष्ण भगवान का राधा और गोपियों के साथ जो स्पेशल संबंध था, शाश्वत प्रेम था, उसी के बारे में वर्णित किया गया है ये वसंत ऋतु के दौरान। ये माना जाता है कि जो जयदेव थे वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में एक डांसर जिसका नाम पद्मावती था उनके साथ उनका शादी हुआ था, और ये जो जगह है ये कलेक्टिवली मेंटेन किया जाता है उड़ीसा टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट माध्यम से। लेकिन ये मेंटेन जो है, मुझे जो लग रहा है जो आपको अभी दिखाया हूँ, इतना मेंटेन नहीं हो रहा है क्योंकि ये फाउंटेन जो है फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है। और ये जो बहुत बड़ा एरिया आप देख रहे हैं ये भी और सुंदर हो सकता था, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में ये ऐसा जंगल के तरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो तालाब हुआ करता होगा शायद, लेकिन अभी पानी सूख गया है। यहाँ पे पीने की पानी की व्यवस्था अभी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे टैप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए बीच बीच में ऐसा गजेबो किया गया है, तो ये बैठने के लिए या फिर फैमिली पिकनिक में जो आएंगे उनके लिए बैठ के खाने की सुविधा यहाँ पे की गई है। यहाँ पे एक स्टोन लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिबिस्कस मतलब चाइना रोज का पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन जो सफाई की जानी चाहिए तो ये नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा और एफर्ट देना चाहिए। जो अथॉरिटीज है यहाँ पे इंचार्ज, यहाँ पे कुछ नया बिल्डिंग भी हो रहा है, स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं मेरे कैमरा के फ्रेम में अभी दिखाई दे रहा होगा। ये एक कुछ है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये भी एक तालाब हुआ करता होगा शायद, अभी नहीं है, सूख गया है पानी। ये देखिए वो फुट ओवर ब्रिज किया गया है, शायद यहाँ पे पहले पानी हुआ करता था केनल के तरह, तो इसको क्रॉस करने के लिए ये किया गया है, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे दीमक के टिलियाँ हैं, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे किया जा रहा है अभी, नया स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ ओपन थिएटर जैसा किया जा रहा है, होने के बाद शायद इनॉग्रेट होगा। तो ये वही नवीकरण हो रहा है, डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पे हो रहा है। इस तरफ मैं एक तरफ से आया था वो जयदेव पीठ वहाँ पे जो है, तो ये दूसरे तरफ ठीक उसके पूरा मतलब हाफ किलोमीटर के बाद आप अगर आएंगे तो यहाँ पे एक ये है जो बिल्डिंग सब अभी हो रहा है, वो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है मैं बोला था अभी, तो ये उसका फाउंडेशन स्टोन है। यहाँ पे जो आएंगे टूरिस्ट लोग तो उनके लिए जो विश्राम करने का स्थान सुविधा केंद्र जिसको कहते हैं, तो ये सब यहाँ पे हो रहा है।
ये देखिए वो नया स्ट्रक्चर अभी बनवाया जा रहा है, वो जब कंप्लीट होगा तो उसका इनॉग्रेशन होगा। यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं ये ओपन एयर थिएटर हो रहा है, और जैसा कि मैंने बोला था बीच बीच में ऐसा सब फीस्ट कर रहे हैं, और गजेबो भी है यहाँ पे बैठने के लिए, और हर गजेबो के पास एक स्टोन लगाया गया है जहाँ पे कुछ वर्णित किया गया है, शायद वही गीत गोविंद से आदृत है ये। तो ये देखिए ये अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे भी आप फीस्ट कर सकते हैं जंगल फीस्ट। और यहाँ पे देखिए सामने मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, ये ट्यूबवेल है, आपको यहाँ पे पानी मिल जाएगा सुविधा से यहाँ पे फिस्ट करने के लिए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी पानी की। पूरा इतना बड़ा एरिया है यहाँ पे ख़त्म होता है, आप उसका बाउंड्री भी देख सकते हैं, ये बाउंड्री रहा उसका लास्ट एंड का। हम एक तरफ से आए थे और ये दूसरे तरफ है पूरा, एक छोर पे वो है जयदेव पीठा जहाँ पे म्यूजियम अभी है, और एक छोर पे ये है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मैंने पूरा दिखा दिया है इस जयदेव पीठा में आएंगे तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इन डिटेल्स ये सब दिखा दिया है, और एक ब्रीफ आइडिया भी दे दिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और आपके जान पहचान के लोगों में इसको सर्कुलेट कर दीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि ऐसा एक टूरिस्ट प्लेस ऐसा मिनी म्यूजियम यहाँ पे है, तो वो भी आके देख सके इस म्यूजियम को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो भविष्य में डालने के लिए मुझे पॉजिटिव प्रोत्साहन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।